ये ऑब्वियसली जब स्पेशली इस ग्राउंड की जो रेपुटेशन है वो यही है कि पहले जब ज़्यादातर टीमें बॉलिंग करती हैं पहले और पिच में थोड़ा सा सपोर्ट ऑब्वियसली सपोर्ट काफ़ी मौजूद था फास्ट बॉलर्स के लिए, और कोशिश यही थी कि सेशन जो स्पेशली पहला सेशन है उसमें हम कम से कम विकेट्स लूज़ करें। और आप जब इस तरह की पिच पे खेलते हैं तो स्लिप्स खड़ी होती हैं, गली खड़ी होती है, आपके फ्रंट ऑफ द स्क्वायर जो है वो काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शंस होते हैं। और जिस तरह पिच था जिस तरह ही बॉल आपके जोन में गिरता था आप जब टाइम करते थे तो बॉल जाता था। और पिछले मैच में अगर देखें तो पिच काफ़ी स्लो था, जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी वो भी अकॉर्डिंग टू द पिच थी, तो उसमें रन रेट जो है वो चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की विकेट में ये ज़रूर होता है कि यू नो बॉल अच्छा सीम भी हो रहा होता है, बाउंस भी हो रहा होता है, लेकिन उसके इन बिटवीन जब बॉल आपके जोन में आता है तो आपके बॉल जब आप टाइम करते हो तो रन्स मिलते हैं आपको। तो ये वन ऑफ दोज पिच के गेम जल्दी मूव करता है। तो काफ़ी लोग जो सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कि कई पिचेस होती हैं जो आप आउट नहीं हो रहे होते उस पर लेकिन स्कोर ज़रा स्लो चलता है, लेकिन इस तरह के विकेट पर होता है विकेटें भी गिरती हैं और रन भी चलते हैं। तो आई थिंक ये इज़ वन ऑफ दोज डेज कि आपने 100 को बिल्कुल न्यूजीलैंड पे मेरा 100 नहीं था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे 100 करूँ। अब अगली इनिंग मौजूद है लेकिन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब टफ टाइम था स्कोर किए, रन्स की, पार्टनरशिप्स बिल्ड की, पार्टनरशिप्स जो हैं वो की होती हैं टेस्ट मैचेस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 पार्टनरशिप्स जो हैं वो डेवलप करने में कामयाब रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश यही होती है कि जब आप यू नो रन्स करते हैं तो बड़े करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन दैट्स ऑल इन द पास्ट नाउ, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी हैव रन्स ऑन द बोर्ड एंड होपफुली वी कैन यू नो विन दिस गेम। नहीं बिल्कुल, आई थिंक रन्स ऑन द बोर्ड हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, यू नो कंडीशंस आपने देखी हैं थ्रू आउट द डे, बॉल चलता रहा है, सीम होता रहा है, अचेरी में बॉल करेंगे डेफिनेटली ट्रबल करेंगे हम न्यूजीलैंड को, और कोशिश यही है कि जो पहली इनिंग न्यूजीलैंड की उसमें हम उनको जल्द से जल्द आउट करें। नहीं बिल्कुल, आज आई थिंक किसी भी प्लेयर के जब डेब्यू होता है तो नर्व्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जाके खेला है और कंडीशंस आसान नहीं थी लेकिन अप्लाई किया उसने अपने आप को, अपने शॉट्स जो उसके जोन में एरिया में बॉल आए उसने शॉट्स खेले, तो ये शो करता है कि ही हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल कॉन्फिडेंस टू प्ले एट दिस लेवल। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो काफ़ी सारी इनिंग्स भी पाकिस्तान के लिए खेलेगा और पाकिस्तान के लिए विकेट्स भी हासिल करेगा।